हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम कुछ एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा वर्क पावर एनर्जी। बेसिकली इस टॉपिक पे ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ और न्यूमेरिकल्स भी हो रखे हैं, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन के तहत यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ देते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि वर्क हो रहा है या नहीं। तो मैंने सोचा कि वो रह गया था एक आस्पेक्ट, तो उसको भी कवर अप कर दूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है, बोलता है कि लुक एट द एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन वेदर द वर्क इज डन और नॉट डन इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको ये पहचानना है कि काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। तो जो पहला केस है उसमें क्या है कि सुमा नाम की एक लड़की है और जो कि स्विमिंग पूल में तैर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि काम हो रहा है या नहीं। तो कोई आदमी जो तैरता है तो वो किस प्रिंसिपल पे काम हो रहा होता है? वो बेसिकली एक फोर्स लगाता है पानी पर और पानी को वो पीछे धक्का मारता है। और आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप पानी पर पीछे की ओर धक्का लगाते हैं तो वो पानी जो है आपके ऊपर आगे की ओर धक्का लगाता है और जिसकी वजह से आप मूव कर पाते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी आपकी आपके तरफ आपके ऊपर आगे की ओर धक्का लगा रहा है और आप मूव भी कर रहे हो आगे की ओर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। इन दिस केस सुमा पुशेस द वॉटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलता है कि यहाँ पर सुमा जो है वो क्या कर रही है, पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। इट इज नोन एज एक्शन। ये सुमा के लिए सुमा की तरफ से एक्शन हुआ। However, due to this action, the water pushes the person in the opposite direction. और इस action की वजह से क्या हो रहा है कि वो पानी जो है उस व्यक्ति को, यानी यहाँ इस केस में सुमा को, वो उसके opposite direction में push कर रहा है, forward direction में push कर रहा है. In this situation, the force and the displacement are in the same direction. Force और displacement जो है वो same direction में हो रहा है. इधर force लग रहा है, उधर displacement हो रहा है. The work is done by her. And it is positive. तो हम क्या बोलेंगे कि work done हो रहा है और वो work done जो है वो positive है। Case two है कि a donkey is carrying load on its back. एक गधा जो है वो अपने पीठ पे कोई सामान लेकर के जा रहा है। तो आपको बताना है कि काम हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि displacement जो है, load तो पीठ पर है, load गधे के पीठ पर है और गधा आगे चल रहा है। तो अगर देखा जाए कि लोड किधर है और मूवमेंट किधर है तो वो 90 डिग्री के बीच है। उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी एंगुलर होता है तो आपको मालूम है कि W इक्वल्स क्या होता है, Fs cos थीटा। और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू, थीटा जो है वो 90 डिग्री है और cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। If the displacement of an object is perpendicular to the force acting on it, अगर displacement जो है वो क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर है फोर्स के, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि वो वर्क डन जो है वो जीरो हो रहा है। इन द गिवन सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द लोड इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बेसिकली क्या है कि जो ग्रेविटी है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो हम कहेंगे कि द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। इसलिए वर्क डन जो है वो जीरो है। और फिर यहाँ केस थ्री है, उस केस थ्री में क्या हो रहा है कि एक विंडमिल है और वो पानी को लिफ्ट कर रही है, एक विंडमिल है और वो पानी को लिफ्ट कर रही है। तो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि वर्क हो रहा है या नहीं। इन दिस सिचुएशन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बकेट ऑफ वाटर, जिसको कि आप कुएं से निकाल रहे हो, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो विंडमिल है वो फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगा रही है। तो क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, और बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के खिलाफ किसी चीज को उठा रहे हो, जब भी आप किसी चीज को उठाते हो तो आप ग्रेविटेशन के खिलाफ वर्क करते हो। द फोर्स एग्जर्टेड बाय विंडमिल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है विंडमिल से वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, देयरफॉर वर्क इज डन। और ये वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, एज द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। और ये वर्क डन पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है। हाँ, जब फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे ने अपने जाइलम टिश्यू की मदद से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया होगा तो वहां पर वर्क हुआ होगा, लेकिन जब प्योर प्योर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो एक बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। और वहां पर अगर फिजिक्स के सेंस में कहेंगे तो हम फिजिक्स के सेंस में कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। Since there is no force applied or displacement, no work is done. तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि ना force applied जो है वो हमको पता नहीं चल रहा है और कोई displacement पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि कोई work done नहीं हुआ है। फिर कह रहा है कि an engine is pulling a train. तो basically ये जो scenario है इसमें क्या हो रहा है, एक engine जो है वो खींच रही है train के bogies को, तो वो जो फोर्स लग रहा है इंजन से वो आगे की ओर, और बॉगीज भी मूव कर रही है आगे की ओर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो आप, मोशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, मोशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी वर्क हो रहा है। इन दिस सिचुएशन एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन पैरेलल टू द ग्राउंड, वो जमीन के पैरेलल खींच रहा है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंजन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन। जो फोर्स आप लगा रहे हो और जो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। Thus the force and the displacement are in the same direction. तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है। Therefore work is done. और ये work done जो है वो पॉजिटिव है। फिर स्टेटमेंट एफ में क्या पूछ रहा है कि आपने अनाज को डाला है धूप में सूखने के लिए, तो बोलो कि वर्क हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली अनाज को आपने धूप में डाला है तो क्या होगा, उसमें सूरज की रोशनी पड़ रही होगी और उससे जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, वो गायब हो रहा होगा, उसे निकल रहा होगा। और अनाज को सुखाते किस लिए है, ताकि उसमें फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे और वो ज्यादा दिन तक स्टोर्ड रहे। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन इज डन इन दिस केस। जब आप अनाज को उठा करके रख रहे हो धूप में, उस टाइम काम हो रहा है। जब वो सूख गया और फिर उसको वापस रखोगे अपने डब्बे में, बर्तन में या जहां कहीं भी, तो वहां पे वर्क हो रहा है। लेकिन जब आपने धूप में फैला दिया और उस पर धूप की रोशनी लग रही है और वो सूख रहा है, ठीक उस पर्टिकुलर टाइम में कोई वर्क नहीं हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। एक सेल बोट है और वो विंड एनर्जी के कारण मूव कर रहा है ना। तो ये जो सिनेरियो है, ये कैसा सिनेरियो है कि सेल बोट पे हवा जो है वो प्रेशर डाल रही है, वो फोर्स लगा रही है, और हवा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है सेल बोट उसी डायरेक्शन में मिलता है। बेसिकली ये जो टेक्निक है ये इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पुराने जमाने में नाव थे वो तो ओर से चलते थे, चप्पू से चलते थे, तो उस पर कम ओर लगाना पड़ेगा और कुछ काम जो है वो हवा के फोर्स से हो जाएगा। आप लोग तो क्लास नाइन्थ में है, आपने पढ़ा होगा कि कुछ ट्रेड विंड्स होती हैं जो एक खास डायरेक्शन में, एक खास रीजन में चलती हैं। तो जो पुराने जमाने के व्यापारी थे या जो इस तरीके के जो समुद्र में नेविगेशन करते थे, उन्हें मालूम होता था, तो वो क्या करते थे, अपने शिप में और बांध देते थे, पतवार बांध देते थे, और वहां पर जब चला रहे हैं तो फिर उन्हें चप्पू चलाने की जरूरत नहीं है, हवा से ही उनका नाव चल रहा है। तो यहाँ जो अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में देखेंगे वर्क हो रहा है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क हो रहा है जी। कैसे वर्क हो रहा है कि विंड जो है वो और पे प्रेशर डाल रही है, धक्का दे रही है, उस पे फोर्स लगा रही है, और जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में जो है वो जो आपका सेल बोट है वो चल रहा है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय विंड ऑन द सेल बोट मूव्स द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हेंस पॉजिटिव वर्क इज डन बाय विंड एनर्जी। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। बोलता है कि एक बैटरी की वजह से एक बल्ब जलता है, तो बताओ कि इसमें क्या एनर्जी चेंज हो रहा है। तो
आपको मालूम है कि कोई भी बैटरी जो है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो जब आप स्विच ऑन करते हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बल्ब जलेगा, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जला तो क्या हो गया, उसका फिलामेंट जो है वो ग्लो करने लगा, और उसमें क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फिर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बल्ब को जब जल रहा है आप छूओगे तो गर्म होगा, है ना। तो पहला क्या हुआ, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब बैटरी हैव स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग लाइटनिंग ऑफ बल्ब। सो अ बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द फिलामेंट इन द बल्ब बिकम्स व्हाइट हॉट एंड गिव्स आउट लाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। तो दोस्तों इतना ही था इस वाले वीडियो में, थैंक यू।